सो F3 न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को ईद मुबारक इन एडवांस। ऑब्वियसली जितने भी व्यूअर्स हैं आपके, सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक एडवांस में, ईद मुबारक। एंड आई होप के यू नो आप इस चैनल को भी ऐसी सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए F3 न्यूज़ पे। एंड यस दैट्स इट, जज़ाक। फर्स्टली आई लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम, और बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और उन्होंने इतने अच्छे टाइम पर स्टोर अपना ओपन किया है और बहुत ही प्रिटी है माशाल्लाह। एंड आई लाइक टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। जनन, एक क्वेश्चन और था, जैसे कि ईद का टाइम है, रमज़ान का टाइम है, जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही पूछना चाहूँगी सबके रोज़े कैसे चल रहे हैं और ईद की क्या तैयारी है। आई थिंक ये पूरा महीना हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है और आई जस्ट होप के सबके रोज़े इजी जा रहे हैं और सब ईद का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज़ हम ईद का बहुत यू नो जिस टाइम पे ईद ख़त्म होती है ऑलरेडी अगले साल कब आएगी का वेट करते हैं। सो या तो आपके छोटे भाई भी आए, उनसे भी एक क्वेश्चन हो जाए। तो ये जो ओपनिंग है, जो स्टोर में आपको सामान दिख रहे जो है, इस पर आपका क्या कहना है, कैसा है? बहुत अच्छा है सब कुछ। स्टोर की ओपनिंग बहुत अच्छी है, स्टोर माशाल्लाह बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छे से दिख रहा है एंड बहुत प्यारा लग रहा है। सो यार, सारा जो है अंदर, सारा मटेरियल, सारा सब कुछ ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा पूरा ही। जनत, एक लास्ट क्वेश्चन, F3 न्यूज़ चैनल है मेरा, F3 न्यूज़, उसके जो व्यूअर्स हैं उनको आप प्लीज़ बोल सकते हैं कुछ ईद मुबारक या समझो? F3 न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को ईद मुबारक इन एडवांस। थैंक यू सो मच।
साथ मौजूद है सना खान और उनके हस्बैंड, आइए उनसे बात करते। तो जैसे ये ओपनिंग किया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी ऑब्वियसली दे आर लाइक फैमिली, तो अच्छा ही लगता है जब आपकी फैमिली ग्रो करती है एंड यू नो जब उनके वेंचर्स एक्सपैंड होते हैं, तो ऑफकोर्स इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड आई थिंक इसी रीजन से हम आए हैं, वरना रमजान इज अ मंथ आई डोंट लाइक टू स्टेप आउट too much, but because we come from the other end, you know, it's almost the other end, but definitely family hai to aana hai aur support hai to support dikhana hai, and I'm very happy that they're doing so good, and you know City Walk is expanding and everything is so new, so fresh, and Eid ka time hai, so I think it's the best time ki aap koi store launch karo, because I'm sure bahut logo ko apni Eid ki shopping karni hogi, so I think it's wonderful. Aap do words kuch. Assalamu alaikum Abdullah. माशाल्लाह, पहले तो मैं आसिम भाई, मैं अबू कहता हूँ बताते, और ये हमारी फैमिली है, एक बिल्कुल ताल्लुक इस तरीके से हैं कि घर की तरह ताल्लुक, वो भी हमें बच्चों की तरह समझते हैं, तो उनका हुक्म सर आँखों पर होता है, तो ख़ास तौर से जैसे बेगम ने बताया कि रमज़ान में बहुत टफ होता है, लेकिन एक जब अपनी फैमिली की कोई बात आ जाती है तो बंदा सारी चीज़ें ऊपर नीचे कर लेता है, तो बड़ी खुशी हम महसूस कर रहे हैं, हम आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि बहुत थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा स्टोर हो रहे, तो दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला पूरे मुल्क में और पूरे वर्ल्ड में सिटी वॉक को कर दे। बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं हमारे दोनों भाई है माशाल्लाह, रयान और यूसुफ, बड़ी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह मुबारक करे। दूसरी चीज़ कि मैं बस अभी तो ऐसे ही आया हूँ, आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नज़र आ रहा है कलेक्शन बहुत अच्छा है, तो मैं सब बम्बई वालों को कहूँगा कि ज़रूर आएँ और ज़रूर विज़िट करें, बहुत मज़ा आएगा। जज़ाकअल्लाह। सना दी, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, हमारा F3 न्यूज़ चैनल है, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके बारे में, ईद के बारे में कुछ कहना चाहिए? जी ऑब्वियसली जितने भी व्यूवर्स हैं आपके, सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक, एडवांस में ईद मुबारक, एंड आई होप के यू नो आप इस चैनल को भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए F3 न्यूज़ पे, एंड यस दैट्स इट, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। उसकी ये तीसरी ब्रांच है और हमें उम्मीद है हम कम से कम अभी जल्द से जल्द 10 ब्रांचेस खोलेंगे इसकी, और रियान इसकी देखभाल कर रहे हैं, बस रियान को मैं इसकी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि दुकान अच्छी तरह से चल रही है। सबसे बड़ी बात कॉस्ट की होती है, पैसे की होती है, पैसे की होती है सर, आज इंसान को कम पैसे में अच्छी चीज़ चाहिए। नहीं नहीं, तो देखिए ना आप यहाँ पे बहुत रिजनेबल रेट है, मतलब अच्छी चीज़ यहाँ पे और कम दाम में, समझा आपने? इसी तरह जैसे एक चाय मिलती है फुटपाथ पे, चाय मिलती है ताजमहल होटल में, चाय दोनों एक ही, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ताज में मिलती है वो बहुत महंगी रहती है। बिल्कुल, तो ये मिसाल वही है कि ताज की तरह से जगह है ये और दाम कम है।